हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि आपका जो त्रैमासिक आकलन 26 तारीख को आप यहां पर देख पा रहे हैं, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पेपर होने वाला है माध्यम हिंदी मीडियम, आप देख पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन जो वायरल हो रहे हैं वो आप जान रहे होंगे, जो कि 50 अंक का उसमें पूर्णांक दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए वो क्या है, पिछले साल का पेपर है। तो इस वीडियो में हम आपको इस साल का जो आने वाला पेपर है, ये जो वायरल, ये भी पेपर वायरल हो रहा है, और हम भी आपको गारंटी नहीं दे सकते कि यही आएगा, लेकिन इतना है कि ये जो जारी किया गया है, ऐसे ही आपकी जब हमने मासिक आकलन डाले थे तो वो भी आपका 100% आया था। तो आपकी जो तैयारी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। कृपया आप एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर याद कर लेना। तो इस वीडियो में आपको जो त्रैमासिक आकलन जो आपको 26 सितंबर को होने वाला है, 26 तारीख का जो पेपर होने वाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, कक्षा 8 विषय विज्ञान का, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर सभी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी अपने पहले सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर आप अपने शाला का नाम लिख देंगे, आप जिस भी शाला में पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को पढ़ लेना है। स्टूडेंट आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखिए निर्देश लिख दिया है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें। तो ये जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा आपको इसी में हल करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो सौर परिवार क्या होता है, तो आप देखेंगे तो ये सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाती हैं, जो 8 ग्रह हैं उन्हें हम क्या सौर परिवार कहते हैं, है ना। तो ये सूरज के परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सौर परिवार। तो अब हमें इनमें से बताना है कौन कौन से सौर परिवार नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन ये है, पृथ्वी, बुध, शुक्र। तो बच्चों सूर्य का पृथ्वी भी लगाता है, बुध भी चक्कर लगाता है और शुक्र भी लगाता है, लेकिन तारामंडल नहीं है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको ऑप्शन द यहाँ पर सही कर देना है और यहाँ पर लिख देना है तारामंडल। इस तरीके से पहला प्रश्न आपको अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये है, प्लास्टिक के अभिलाषणिक गुण नहीं है। तो आ है, प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है, उसका है प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है और अतिशीघ्र अवघटित हो जाता है। तो देखिए जो ऑप्शन द है वो क्या है, ये नहीं है, क्योंकि जो देखिए क्या पूछा है, प्लास्टिक के अभिलाषणिक गुण नहीं है तो अति शीघ्र अवघटित हो जाता है, जबकि ये क्या नहीं होता, ये बहुत टाइम लेता है। आप प्लास्टिक को आपने भी देखा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए आप यहाँ पर द लिखेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे अति शीघ्र अवघटित हो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, घड़े का टूटना और दही का जमना, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें जो पदार्थ का जो मूल गुण रहता है वो बना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भोजन सड़ेगा तो इसका जो मूल गुण है उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा, लोहे पर जंग लगेगी तो अभी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, दही का जमेगा तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, है ना, और घड़े का टूटना, तो इसमें बस इतना अंतर है कि जो उसमें घड़ा एक बड़ा पदार्थ है और ये छोटे पदार्थों में मिट्टी में बिखर जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर मुझे ऑप्शन सा सही लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न 4 देखिए, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज पदार्थों में किया जाता है क्योंकि। तो यहाँ पर देखेंगे जो नाइट्रोजन का किया जाता है तो अब क्योंकि ये भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ये भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा ये भोजन को प्रोटीन प्रदान करता है और ये भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन है, तो देखिए अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज पदार्थों में किया जाता है तो क्योंकि ये भोजन को क्या प्रदान करती है, ये आपको पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5वां, कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देती है, अतः वह है अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन अम्लीय ऑक्साइड एवं क्षारीय ऑक्साइड दोनों। तो देखिए CO2 ये एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देती है। हम जानते हैं नीले लिटमस को जो लाल करता है वो क्या होता है, नीले लिटमस को लाल करता है वो क्या होता है, अम्ल होता है ना, तो क्या हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड, ओके,
अगला देखिए, यदि प्रकाश की किरण बरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखिए ये कोई है माध्यम है, मान लीजिए कोई ये प्रकाश की किरण आई और ये अगर बरल से सघन में जा रही है ना, तो ये क्या अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा सही कर देना है। अगला देखिए, अति लघु उत्तरीय पृष्ठ, इनके उत्तर देख लेते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप छोड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी प्रश्न में आपको डाउट हो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ लें। इसके बाद देखिए, दी गई जानकारी के आधार पर ग्रहों की पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, बृहस्पति होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे बृहस्पति। ओके, अगला देखिए, ग्रह जिस पर जीवन है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीवन है। इसके बाद अगला देखिए, सबसे चमकीला ग्रह, तो क्या है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, अगला देखिए, अब ये प्रश्न दिए गए हैं आपको, देखिए ये प्रश्न है कि पहाड़ों पर वायुमंडल दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका प्रश्न है और इसका उत्तर आप देखना चाहते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है, उत्तर वैसे सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ों पर वायुमंडल दाब के बहुत कम हो जाने पर मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे मानव शरीर को सांस लेने में दिक्कत होती है, मानव शरीर को क्या सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, ये आपको लिख देना है। इसके बाद नवा देखिए, नवा प्रश्न है ये, आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं का और खा, तो यहाँ पर इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये देखिए, चित्र का और खा को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अवलोकन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो दहन के लिए क्या ऑक्सीजन आवश्यक है, दहन के लिए यहाँ पर आप लिख देंगे ऑक्सीजन आवश्यक है, ऑक्सीजन O2 गैस। ओके, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आप अगला देखिए प्रश्न 10, तो एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, यहाँ पर देखिए, कारखानों के आसपास शहरों गांव में और दूरस्थ स्थित शहरों के वातावरण में क्या अंतर होता है, तो कारखानों के आसपास शहरों यानी कि बसे शहरों में और दूरस्थ स्थित शहरों के वातावरण में क्या अंतर होता है, कोई चार लिखना है, तो अंतर एक डिवाइडर गेंस लिख देना है। अगला देखिए, पटाखों तथा ईंधन के सार्वजनिक वाहनों में लेकर जाना क्यों प्रतिबंधित है। ओके, इसके बाद अगला लघु उत्तरी प्रश्न है, आपके अनुसार बहुतायत में प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला है, प्लास्टिक के स्थान पर अगर ऐसे इनकी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्लास्टिक के स्थान पर ऐसे कौन सी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी स्वास्थ्य व्यक्ति को सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रूमाल उपयोग में क्यों नहीं लाना चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का, कि फ्रिज में रखे फल दूध सब्जियाँ अंडे मांस इत्यादि अधिक समय तक खराब नहीं होते, ऐसा क्यों। ओके, 13वां प्रश्न है कि किसी स्वास्थ्य व्यक्ति के सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति का रूमाल उपयोग में क्यों नहीं लाना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए 14, आपको प्रश्न 14 है, मानव नेत्र का नामांक चित्र बनाना है, यही क्वेश्चन आएंगे तो याद कर लें इनको। अगला देखिए, लोहे की कील पाइप आदि वस्तु में जंग लग जाती है क्यों, ये आपको बताना है, और लोहे वस्तु की जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। अगला देखिए, द्वितीय प्रश्न का 12 नंबर का, निम्नलिखित पदार्थों में उनकी चमक अपारदर्शिता भंगुरता ऊष्मा चालकता इत्यादि गुणों के आधार पर सारणी बनाकर वर्गीकृत कीजिए, जैसे लोहा तांबा कोयला ग्रेफाइट गंधक। ओके, तो ये कर लेना, इसकी अथवा में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये आपको धातु धातु में वर्गीकृत करना है, जैसे लोहा क्या है, तो लोहा क्या एक धातु है, सोना भी धातु है, तांबा धातु है ना, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी धातुएँ कौन कौन सी अधातुएँ, इनके आंसर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रश्न 16 है, पादप कोशिका का नामांक के चित्र बनाइए, है ना, और 12 नंबर का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है। चलिए PDF कैसे डाउनलोड करेंगे बता देता हूँ। देखिए बच्चों, PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ओपन कर लें और यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में ये दिखेगा, यहाँ पर आपको ये सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे आप करेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 दिख जाएगा, जिसमें 3105 मेंबर सब्सक्राइबर यहाँ पर ओनली ज्वाइन कर चुके हैं। आपको यहाँ पर आना है, जैसे कि आप ये देख पाएंगे, आपको बस यहीं पर आपको ये ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके,